गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब ठीक है? घर पे ठीक है ना सभी? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कौन सी ड्राइंग करी थी? ये वाली तोरण की ड्राइंग करी थी ना, सभी ने कर ली ना? ओके, प्लेन बुक के अंदर भी प्रैक्टिस करी होमवर्क के लिए जो मैंने बताया था, कर लिया? गुड। तो नेक्स्ट अभी पेज नंबर 8 पे देखो, लीफ पत्ता की जो पत्ते जो दिए हैं उसकी हम ड्राइंग करेंगे लीफ की, ठीक है? तो नेचर ड्राइंग है, नेचर के अंदर इसके सिवा भी हम और भी झाड़ या पत्तों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे करण की डाली है, नीम की डाली है, बारहमासी की डाली है, तो ये सारे डाली की और पत्तों की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ नेचर के अंदर फ्रूट्स, डिफरेंट फ्रूट्स लेके भी आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो, ऑलरेडी नीचे बॉक्स में लीफ की जो ड्राइंग है वो दी हुई है, तो आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन को आपको पेंसिल से कंप्लीट करके यहाँ पे जैसे शेडिंग करा है पेंसिल कलर में या वैक्स क्रेयन कलर में, वो ऐसा शेडिंग करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो शुरू करें। सबसे पहले तो आपको डॉटेड लाइन में ऐसे जो तो ड्राइंग है नीचे, उसे पेंसिल से डार्क करके आपको इसकी शेडिंग करना है। तो शेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर करना है, ओके? डार्क ग्रीन कलर करके एक ही डायरेक्शन में छोटे 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 स्ट्रोक लेके एक ही डायरेक्शन में डार्क ग्रीन करेंगे, फिर इसके बाद लेमन येलो करेंगे उसके ऊपर, ऐसे शेड करना है। मिक्सिंग करने के लिए डार्क ग्रीन के ऊपर भी आपको लाइट ग्रीन करना है और लेमन येलो करना है। यहाँ पे डार्क ग्रीन का फिर बीच में लाइट ग्रीन करो, या तो लेमन येलो सीधा मिक्स करो, एक दूसरे के ऊपर चलाओगे एक ही डायरेक्शन में तो अच्छे से मिक्स होगा, ओके? उसके बाद यहाँ पे डार्क ग्रीन आएगा, डार्क ग्रीन कलर हो, फिर लेमन येलो मिक्स करो। मिक्स करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कलर को चलाना पड़ेगा, नहीं तो पार्टीशन हो जाएगा। यहाँ पे आधे में डार्क ग्रीन और ऊपर लेमन येलो, तो वो मिक्स नहीं होगा। मिक्स करने के लिए लेमन येलो को डार्क ग्रीन के ऊपर भी चलाना पड़ेगा और डार्क ग्रीन को लेमन येलो के ऊपर भी चलाना पड़ेगा, ओके? तो इस तरह से हम ये ड्रॉइंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लेंगे, ऑरेंज और येलो कलर मिक्स करना है इसमें, बाहर की साइड को, ये पत्ते के अंदर जो शेडिंग है वो ग्रीन कलर करके ऑरेंज और येलो कलर ऐसे आपको मिक्स करना है। पहले येलो कलर से बॉर्डर बना लो, बॉर्डर बनाने के बाद एक ही डायरेक्शन में छोटे 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 स्ट्रोक लेते हुए आपको ये कलरिंग पूरी करनी है, ठीक है? इसके सिवा आप नीम की डाली, नीम के पत्ते जो है वो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा नहीं, दो दो पत्ते हम बनाएंगे ऐसे, ओके? ऐसे बनाएंगे। ये जो प्रैक्टिस है आपको प्लेन बुक के अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस दिया हुआ नहीं है आपको प्रैक्टिस के लिए। यही ड्राइंग भी आपको कॉपी करके, कलरिंग में भी कॉपी करनी इसकी, पर आपको प्रैक्टिस के लिए प्लेन बुक के अंदर ऐसे पत्तों की ड्राइंग बना के आप जैसे यहाँ पे शेडिंग करा, शेडिंग करने के लिए 3 टोन में शेडिंग करना है, डार्क टोन, मिडल टोन और लाइट टोन।
तो डार्क टोन के लिए डार्क ग्रीन, मिडिल टोन के लिए लाइट ग्रीन और लाइट टोन के लिए येलो, लेमन येलो कलर एक दूसरे के ऊपर मिक्स करते करते आप शेडिंग करोगे तो अच्छे से 3D इफेक्ट आएगा। ओके, मिक्स करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कलर को चलाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन करा, ओके डार्क ग्रीन करा, उसके बाद लेमन लाइट ग्रीन और यहाँ पे करेंगे फिर लेमन येलो। तो लेमन येलो एक दूसरे के ऊपर करेंगे, लाइट ग्रीन पे थोड़ा लेमन येलो के ऊपर आएगा और डार्क ग्रीन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप शेडिंग करोगे तो अच्छे से शेडिंग होगी, ठीक है। तो प्लेन बुक के अंदर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद एप्पल बनाना है, ओके सिंगल सिंगल फ्रूट हम बनाएंगे। मैंगो के लिए ऐसे लाएंगे, उल्टा सी बनाया ये, ओके बनाना के लिए देखो मैं सबसे पहले कहां से लाइन लेता हूं उसका ध्यान रखना है आपको। इसमें भी आप ब्राउन कलर, ऑकर येलो और लेमन येलो कलर मिक्स कर सकते हो, रेड और ऑरेंज कलर कर सकते हो, इस साइड थोड़ा ब्राउन कर सकते हो। अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो इस साइड आप ब्राउन, फिर क्रिम्सन रेड, फिर रेड, फिर ऑरेंज और यहाँ पे येलो कर सकते हो। मैंगो के अंदर भी डार्क ग्रीन लेके लाइट ग्रीन और इस साइड थोड़ा लेमन येलो कर सकते हो, ओके। इसके बाद अगर ग्रेप्स बनाना है तो ग्रेप्स के लिए इक्वल साइज के जो सर्कल बनाते जाओ, तो इस तरह से आप फ्रूट के भी जो ड्राइंग की प्रैक्टिस है और कलरिंग की प्रैक्टिस आप होमवर्क के अंदर, प्लेन बुक के अंदर कर सकते हो। तो समझ में आया आज की जो ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग आपको यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है डॉटेड लाइन पे कंप्लीट करके ऊपर जैसी शेडिंग है वैसी शेडिंग करनी है। प्लेन बुक के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के अंदर विद कलरिंग, ओके समझ में आया ना कैसे करना है। चलो बाय, टेक केयर।